नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धीमी कंप्यूटर पृथ्वी पर में। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए पैनासोनिक का AGAC90 फुल HD वीडियो कैमरा जिसका वाइट बैलेंस सेटिंग किस तरह से मिलाते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी और संपूर्ण सेटिंग के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैनासोनिक का वीडियो कैमरा है और देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बड़ा सा बैटरी आएगा। इस बैटरी को हम इस जगह पर फिट करेंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑन और ऑफ का बटन है, इससे हम यहाँ पर इस टाइप से इसे ऑन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कैमरा ऑन हो गया है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये आगे का हमारा बैग रखा हुआ है, ये दिखाई देने लगा है। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो इसकी सेटिंग लगी हुई है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टी की अपन वीडियो शूट कर रहे हैं तब कुछ ऐसा होता है कि कभी कभार कलर चेंज हो जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि इसमें सर कलर चेंज हो जाते हैं, तो इस टाइप से हमने ये वीडियो बनाया, तो हम उसकी आपको एक सेटिंग बता रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस कैमरे का मेनू बटन है। इस मेनू बटन पर अब जैसे कि अपन को सेटिंग लगाना है, जैसे कि अपना ब्राइटनेस ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम स्क्रीन में आपको दिखाएंगे। जैसे जी स्क्रीन है तो इसमें जैसे कि हमारा बैग है, तो इस बैग को हमें काला या सफ़ेद करना है। तो जो हमारा इस कैमरे का आयरिस बटन है, देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा आयरिस बटन। इस आयरिस बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब स्क्रीन पर हम इसको कलर इसमें कम और बढ़ कर सकते हैं। जैसे अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया स्क्रीन पर, और इसको हम इस साइड से करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लैक होने लगा है, बिल्कुल बैक ब्लैक हो गया है। तो इस टाइप से इसकी सेटिंग लगाई जाती है इस आयरिस रिंग से। आयरिस ऑटो मैनुअल पे हम क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद इस रिंग को हम प्रेस करेंगे तो हमारा कलर वाइट और ब्लैक होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक हमारा बटन होता है वाइट बैलेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बटन है। इसमें क्या होगा कि देखिए फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति पर हमने फोकस लिया, जैसे कि ये बैग है, इस बैग पर हमने फोकस लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग है, तो इस बैग का कलर जो है वो चेंज दिखाई दे रहा है। तो वाइट बैलेंस बटन पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, बीबी सेट ओके। तो अगर हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, किसी भी पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई बैकग्राउंड जहाँ की हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वहाँ पर हम उसको पहले जूम में लेंगे। जिस भी व्यक्ति या बैकग्राउंड को आपको शूट करना है, फोकस लेना है, उसको जूम में लेकर के, और फिर हमें वाइट बैलेंस बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें कलर ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वाइट बैलेंस में हम आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वाइट बैलेंस हम बटन एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख किया गया लॉक। तो लॉक में कुछ इस टाइप से कलर बनेंगे। इसके बाद देखिए फिर से क्लिक करेंगे तो P3.2 के आ गया, तो इसमें कुछ हरा हरा सा दिखाई देने लगा। देखिए फ्रेंड्स, तो इस टाइप से अगर हमें कलर की ज़रूरत है तो हम इस पर इस टाइप से कलर ले लेंगे। इसके बाद देखिए P5.6, ये पीले पीले कलर दिखाई देने लगे हैं, अगर हमें पीले कलर की ज़रूरत है तो इस टाइप से हम ले लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, VAR लिख के आ गया, तो इसमें दूसरा कलर चेंज होके आ गया है। तो इस टाइप से इसमें कलर का हम बैलेंस सेट करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम आपको कुछ चीज़ें और दिखा रहे हैं, जैसे कि इसमें एक मेनू बटन है, तो मेनू बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो कैमरा सेटअप खुल के आ गया है स्क्रीन पर। तो अब रिकॉर्ड सेटअप पर क्लिक करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो रिकॉर्ड फॉर्मेट है, इसमें बहुत सारे पिक्सल में रेजुलेशन में वीडियो शूट होती है, जैसे कि PS1080 यानी फुल HD पर अभी ये लगा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसे PH1080 SI पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा 720 में लग जाएगा, और भी छोटा लगाना चाहते हैं हम, जैसे PM720 जी है, इस पर क्लिक करें तो 720 में लगेगा। इसके बाद जितनी साइज की वीडियो आप शूट करना चाहते हैं उसकी सेटिंग यहां से आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारा कैमरा जो लगा हुआ है सबसे टॉप उस पर लगा हुआ है साइज पे, तो वहां पर हमने इसको लगा दिया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, टू स्लॉट फंक्शन है, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, लेकिन हमें जिस सेटिंग्स की ज़रूरत है उसी सेटिंग्स को देखिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं। इसके बाद कैमरा सेटअप है,
तो कैमरा सेटअप आ गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई चीज़ हमें चेंज करना है, कलर बैलेंस, टेम्परेचर वगैरह वगैरह जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे अदर फंक्शन है इसमें, और फॉर्मेट कार्ड, अगर मेमोरी कार्ड को आपको फॉर्मेट करना है, कौन सा करना है, पहला या दूसरा, इसको भी आपको करना है, तो आप इस टाइप से यस करके इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कार्ड सेटअप, तो ये कार्ड है आपका, जो इसमें जो कार्ड लगा हुआ है उसकी स्क्रीन कितनी भरी हुई है, एसडी कार्ड फर्स्ट है तो ये इतना भरा हुआ है और इतना खाली है, तो ये इतना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चेंज मीडिया हम करके दूसरा भी कर सकते हैं, तो दूसरा हमारा टोटल खाली है, इसलिए पूरा हमारा खाली दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। इसके बाद और भी जैसे कि अदर फंक्शन इसमें हैं, अदर फंक्शन में जाएंगे तो क्लॉक सेट है, अगर घड़ी आपको सेट करना है, अलर्ट साउंड सेट करना है, तो आप ये सब सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखिए फ्रेंड्स, आप अपने कैमरे की सेटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक ये हमारा जो रिंग है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज देखिए फ्रेंड्स, कई लोग पूछते हैं हमसे कि इसका यूज कहाँ करते हैं सर, तो इसका यूज फोकस मिलाने के लिए किया जाता है। अगर आपका कैमरा सही से फोकस नहीं ले रहा है तो इस रिंग को आप घुमा करके अपने कैमरे का फोकस मिला सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी भी प्रकार की आपको अगर जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।